हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, जुलाई के शुरुआत में मतलब कि 5 जुलाई को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ था बॉलीवुड की मूवी किल, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर लक्ष्य लालवानी, जिनका कि डेब्यू मूवी था, उसी के साथ मूवी के अंदर हमें राघव जुएल, आशीष विद्यार्थी के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिले थे। जहाँ पे किल मूवी को लगभग थिएटर्स में रिलीज हुए 17 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 17 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे किल मूवी का टोटल बजट लगभग 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ के आसपास का था, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 1000 के आसपास के ही स्क्रीन प्लेस किया गया। चाहे इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में हाइप काफी कम था, जिसके वजह से इस मूवी का एडवांस टिकट बुकिंग भी हमें ना के बराबर देखने को मिला और इस मूवी ने अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 1.25 करोड़ के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का रिव्यू थोड़ा सा अच्छा निकालने की वजह से इस मूवी का जो डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिला था। जहाँ पे किल मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 16 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 19.15 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 17 को लगभग हमारे इंडिया से 1 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन किया है, जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 16 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे किल मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 17 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 20.15 करोड़ के आसपास का बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर चुका है। तो उस कलेक्शन के सामने इस मूवी का जो टोटल बजट है वो लगभग 30 करोड़ के आसपास का है, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे एक हिट का टैग लेना है तो इसे 30 करोड़ के ऊपर का तो कलेक्शन करना ही पड़ेगा। और अगर ये मूवी एक एवरेज मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे साबित होना चाहता है तो कम से कम इसे 25 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन करना पड़ेगा। जो कलेक्शन ये मूवी सही में बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर पाता है कि नहीं, ये तो हमें इस मूवी के आने वाले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखते हुए पता चली जाएगा। ऐसे दोस्तों, आप लोगों ने किल मूवी को थिएटर में जाके देखा है कि नहीं? और अगर नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को आप एक बार जाके थिएटर में देखो, क्योंकि मैंने इस मूवी को देखा है और ये मूवी सही में काफ़ी अच्छी है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर किल मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो इस मूवी के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।